हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सॉरी ये मेरे को फ़ोन पे बना के ऐसा रखना पड़ रहा है क्योंकि कहीं कोई मेरे वीडियो को कॉपी ना कर ले, क्योंकि आजकल लोग ये सब बहुत करते हैं, किसी की भी वीडियो उठा के किसी के भी चैनल पर डाल देते हैं, तो मुझे उनको बेचारों को फिर कॉपीराइट देना पड़ता है। उससे बेटर है कि मैं अपनी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सो टाइम क्यों वेस्ट करना। इसलिए मैंने ये अभी कुछ दिन के लिए आपको यही ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, उनके डीपेस्ट इमोशंस देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपको लेकर, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके अंदर। या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है अभी मेरे पास, मुझे एक फंक्शन पे जाना है और मुझे अभी तैयार होना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से एक वीडियो बना दूँ आप सबके लिए। मैंने अच्छे से मेडिटेट किया और हियर आई एम विथ योर रीडिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, उससे पहले देख लेते हैं कि वो अब क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, उनकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है। मैंने इसके पहले एक करंट फीलिंग्स अपडेट डाला है दूसरे चैनल पे। चलिए लेट्स सी किस एनर्जी में आपके पार्टनर। सॉरी गाइस, आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव, द यूनियन ऑफ हार्ट्स, बी ऑथेंटिक, रिलेशनशिप पैटर्न्स, रोमांस। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स है वो मैं बता देती हूँ। नंबर 7, नंबर 28, नंबर 39, नंबर 32 और नंबर 25। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे इस वक्त, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय हो गया है, एक लंबा अरसा हो गया है जब से आप और आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे या फिज़िकली डिस्कनेक्ट हुए हो, दूरी आ गई आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन का जैसे कि इंटरेस्ट खो गया था आपसे या रिश्ते से। मे बी उन्होंने बोला होगा, किसी किसी के लिए ये चीज़ ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, मे बी उन्होंने अपने एक्शन से ये दिखाया होगा या आपको बोला भी होगा ऐसा कि मुझे किसी रिश्ते में नहीं रहना है, वॉन्ट टू बी अलोन, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे करियर पे फोकस करना है या मुझे मेरे फैमिली पे फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर का जो एनर्जी था पास्ट में वो इस तरह का था कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, या मुझे थोड़ा दूर रहना है, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, मुझे उस चीज़ पे फोकस करना है, मुझे तुमसे अभी प्यार ही नहीं है, मुझे प्यार करना ही नहीं है। अब क्या हो रहा है पता है, अब इस पर्सन की एनर्जी फिर से उस तरफ आ रही है जहाँ पे ये पर्सन अब प्यार चाहते हैं, प्यार देना भी चाहते हैं और प्यार लेना भी चाहते हैं। ओके, उनका फोकस अब बाकी चीज़ों से हटकर सिर्फ प्यार पे है। नाउ दे वॉन्ट लव इन देयर लाइफ, नाउ दे वॉन्ट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। पहले उनको हैप्पीनेस मतलब लगता था कि बाकी की चीज़ें, प्यार बेमतलब की चीज़ है, फालतू की चीज़ है, बट अब उनका फोकस आ गया है प्यार पे। ओके, सो उन्हें समझ में आ चुका है कि आप दोनों का जो रिश्ता है या आप दोनों का जो प्यार है या जो फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, वो काफ़ी जेन्युइन है, और बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती है, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है और सच्चा प्यार एक ऐसी चीज़ है जो एक ही बार होता है लाइफ में, और इट कांट बी रिप्लेस्ड। तो वो अब आपके साथ वो रिस्क नहीं लेना चाहते आपको नज़रअंदाज करके। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ के मुझे लगता है कि मुझे लगता आप दोनों को या फिर आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है, या मे बी आप दोनों को ऐसा फील हो रहा होगा इस वक्त कि यार इस पर्सन ने, मे बी आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इस इंसान ने मुझे इतना दुख दिया, मुझे इतना वेट करवाया, या मेरे को इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी में डाला, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, फिर भी मुझे ये इतना क्यों पसंद है, फिर भी मैं इससे इतना प्यार क्यों करती हूँ या करता हूँ। और आपके पर्सन को भी वहाँ पे वही फील हो रहा है कि इतना सब हो गया हम दोनों के बीच में, मैंने इतना उसको भूलने की कोशिश करी, मैंने ये करने की कोशिश करी, मैंने वो करने की कोशिश करी, हम दोनों अलग क्यों नहीं हो पा रहे, वो मेरे दिल से क्यों नहीं जा पा रही है या जा पा रहा है। तो आपके पर्सन को इस चीज़ का ताज्जुब हो रहा है कि क्या है, ये कनेक्शन
इतना स्ट्रांग क्यों है, या हम दोनों की फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग, इतनी डीप क्यों है एक दूसरे के लिए, तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे. ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना अब आपके साथ कोई गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं. हो सकता है पहले ये पर्सन फीलिंग्स होकर भी छुपाते थे, पहले ये पर्सन फीलिंग्स से भागते थे, या कुछ और फील कर रहे हैं और कुछ और शो कर रहे हैं. बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन आपसे क्लियर रहना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, जो दिल के अंदर चल रहा है वैसे ही आपके सामने जताना चाहते हैं. तो दे आर गोइंग टू शो देयर रियल फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. अब वो चाहते हैं, उनकी खुद की ही इच्छा हो रही है कि अब मैं जो है जैसा है फीलिंग्स अपनी शो करूँ, एफर्ट्स डालूँ, प्यार दिखाओ, केयर दिखाओ. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो एक पैटर्न चल रहा है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो चीज़ें रिपीट हो रही है या जो चीज़ें जो साइकिल रिपीट हो रही है, शायद वो टॉक्सिक साइकिल है, शायद उससे आपको दर्द मिलता है, दुख मिलता है. तो वो उस चीज़ को अभी नोटिस कर रहे हैं, देर नोटिसिंग कि उनका बिहेवियर या उनके एक्शंस आपको परेशान करते हैं, या उनका किसी तरह का जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, या नो कांटेक्ट में बार बार चले जाना, या फैमिली की वजह से आपको एबेंडन कर देना. तो उन्हें वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, अब मुझे बदलना पड़ेगा अगर मुझे रिश्ते को ठीक करना है, अगर मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है इस बंदी या बंदे के साथ, तो मुझे बदलना होगा. सेम चीज़ें करके मैं डिफरेंट चीज़ एक्सपेक्ट, डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. ओके, एंड लास्ट मुझे लगता है कि आपको आपके पर्सन अब बहुत अटेंशन देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके लिए अपनी जान न्यौछावर करना चाहते हैं. रोमांटिक फीलिंग्स उनके अंदर इस वक्त मुझे आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिख रही है. ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स सी कि आज रात आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं. टेन ऑफ पेंटिकल्स. नाउ दिस पर्सन, देखिए ये पर्सन आपको आज रात को बहुत डे ड्रीमिंग भी करेंगे कि काश हम दोनों की शादी हो जाती, काश मैं उसे वक्त रहते अपने दिल की फीलिंग्स बता देता, यू नो उसके साथ ही मेरी लाइफ परफेक्ट है, अगर मैं उससे शादी करूँगी या करूँगा तो ही मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी. तो उनको अपनी लाइफ ना मिसिंग पजल लगने वाली है. उनको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ तभी ही मुझे हासिल होगा जब ये पर्सन मुझे मिलेगा, यू नो. सो दैट इज़ वॉट दे फील. द यूनियन ऑफ हार्ट्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए. ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए हैं, जस्टिस एंड द मून, पाइसिस और लीब्रा है यहाँ पे. देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी थी. मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपने इमोशंस को और आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं. ओके, देर अंडरस्टैंडिंग के वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर तो रख सकते हैं लेकिन वो छुप नहीं सकती. एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे फीलिंग्स शो करनी ही पड़ती है. ओके, और उन्हें अब लग रहा है कि चाहे वो अपने फीलिंग्स को छुपा ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक वो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे या जब तक वो आपके साथ जो बुरा किया है उसको सही नहीं कर लेते ना, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, या कुछ भी सही नहीं होगा तब तक. वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ एक होकर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं. व्हाट इज़ दिस बी ऑथेंटिक ऑल अबाउट? द डेविल कैप्रिकॉर्न. देखिए ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, या बहुत क्रूअल रहे हैं, या बहुत अब्यूजिव रहे हैं. खुद के बारे में सोचना, यू नो, आप पे कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना. बट अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपको अपना रियल पैशन, अपना रियल फीलिंग्स, यू नो, वो अपनी नेगेटिविटी को अपने पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं. डेविल कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो इन अ सेंस एंड नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, तो आपके पर्सन अब नेगेटिविटी को हटा देना चाहते हैं. जो नेगेटिव उनके अंदर ट्रेट्स है एक डेविल के, वो उसे हटा के एक पॉजिटिविटी, पैशन, अग्रेशन, आपके लिए जुनून, वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो फील भी कराना चाहते हैं आपको. रिलेशनशिप पैटर्न्स क्यों है आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली काफ़ी ऑन एंड ऑफ किया है, या काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी रही है. आपको बहुत वेट करवाया, यू नो, कभी आपके लाइफ में आ गए, चले गए, एंड दिस हैज़ बिन, यू नो, रिपीट करते गए. ये पर्सन बहुत वेट करवाया है. मुझे लगता है पेशेंस तो आपने बहुत ही रखा है इस इंसान के साथ. ओके, बट अब क्या हो रहा है पता है? अब आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आपने जितना पेशेंस रखा या जितना आप रुके हो ना इस पर्सन के लिए, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा. ओके, अब ये पर्सन कुछ स्टेबल देंगे, भले ही देर आएंगे और दुरुस्त आएंगे. रोमांस क्यों है यहाँ पे डिवाइन? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स.
जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ लेट गो करना चाहते हैं। एक वक्त था जब इन्होंने सब चीज़ों के लिए आपको छोड़ दिया, लेकिन अब वो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, और ये मेजर बदलाव मुझे इनके अंदर दिख रहा है। ओके, क्योंकि जब भी ये पर्सन दूर भी गए आपसे, आपकी मेमोरीज से दूर कभी नहीं गए, आपकी मेमोरीज हमेशा उनके अंदर रही है। सो दैट वॉज इट। अब हम लोग आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत चांसेस दिए या सब कुछ ख़त्म है, क्योंकि बॉटम में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगर आप हर्ट फील कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, मुझे अब नहीं रखना है सब, यू नो आई डोंट वॉन्ट कीप एनीथिंग, आप बस यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और लेट गो करिए। ओके, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए बजाय कि आप इनके ऊपर फोकस करें, आप चीज़ों को लेट गो करिए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों चाहो या ना चाहो आपका रीयूनियन हो के रहेगा। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए लोगों के अंदर आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा एक्सपोज मत करिए, कीप इट विद इन योर सेल्फ। मुझे लगता है या तो आप बहुत लोगों से शेयर करते हो या लोगों की बात सुनते हो, डोंट डू इट। ठीक है, रिश्ता आप दोनों का है, वो आप दोनों के अंदर ही रहने दीजिए, बाकी लोगों को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। एंड मुझे लगता है कि देखिए आपके मन में मुझे लगता है इस पर्सन की जो छवि है ना, वो बहुत विलन जैसी हो गई है, आप तो नफरत ही करने लगे हो। ओके, आपको लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में ड्रामा लाते हैं, या लोग आप दोनों के खिलाफ हुए हैं बहुत ज़्यादा, यू नो, या फिर लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, तो वो आप दोनों की वजह से ही हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। ओके, ऑब्स्टेकल्स है रिश्ते में लेकिन प्यार भी है। द मून कार है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हो, हाइड करते हो अपनी फीलिंग्स, और आपने अपना रियल फेस या कह लो एक रियलिटी अपनी नहीं दिखा रहे हो उस पर्सन को। यू आर हाइडिंग योर सेल्फ। आपको अगर लगता है वो करने से कुछ बेटर होगा तो आप करिए, लेकिन मेरी पर्सनल राय मानोगे तो जो आप फील करते हो या जो आप यू नो वॉट एवर यू मीन वही बताइए, ठीक है, या फिर वही उतना ही एक्सप्रेस होइए। सो दैट वॉज इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू।